हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। आज की जो ये वीडियो है ना, ये रहने वाली है एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा व्लॉग वीडियो। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक ज़रूर करोगे। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है सुबह सुबह का, और सुबह के टाइम मतलब क्लीनिंग का काम निपटा के और उसके बाद ना मेरे को ये फ्रिज कवर दिख रहा था, क्योंकि ये धूप में डाला हुआ था मैंने एक दो दिन से धुल के, और फिर मुझे इसको सेट करना था। और जब पता है कोई भी चीज़ हो, जब हम इस तरीके की चीज़ को सेट कर दें ना, आपके घर में कोई टेबल होगी या डाइनिंग टेबल या कोई भी फ्रिज अगर सामने है, तो कितना ही आप सेट कर लो, दो चार दिन बाद ये भरा भरा सा हो ही जाता है। इस पर पता नहीं कहाँ से फालतू का सामान इकट्ठा हो जाता है। और बस वहीं पे उस जो फ्रिज पे रखने का सामान था वो सब सेट करके, उसके बाद जो मेरा खाली पेट वाला रूटीन है वो बीच बीच में चलता रहता है। सबसे पहले उठते ही तो खाली पेट मुझे धनिया पानी पीना होता है, वो मैं पी चुकी हूँ। और उसके बाद किशमिश खा, थायराइड की गोली लेनी होती है वो भी मैं ले चुकी हूँ, और उसके बाद खाली पेट ही किशमिश होता है। तो वो जो पानी वाली चीज़ होती है वो मैं पहले ले लेती हूँ और फिर बाद में किशमिश खाने का काम करती हूँ। और अभी इसके बाद ना मैं अपने सूट पे प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि निश्चय के कपड़े मैंने पहले से ही प्रेस करके रखे हुए थे। बस मेरे ही कपड़े ऐसे थे जो कि मतलब प्रेस नहीं था, सूट ऐसा जो कि मैं पहन के जा सकूँ, जो कि मेरा फिट आए, क्योंकि सारे कपड़े तो अब ऐसे सिचुएशन में आते भी नहीं है ना, कोई आता है कोई नहीं आता है। तो मुझे लगा चलो फटाफट से एक बार बैठ के प्रेस मार लेती हूँ। अभी ये भी सो के नहीं उठे हैं, क्योंकि टाइम तो दिया था जहाँ मुझे जाना है ना हॉस्पिटल में, उन्होंने टाइम दिया था कि 10 बजे तक आप आ जाना। मतलब मेरी बहन है वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो जॉब करती है, तो उन्होंने कहा था 10 बजे तक आ जाना, लेकिन मैंने उसे बोल ही दिया था कि 10 बजे तक तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, 10:30 तो मान के ही चलो। और पहुँचते पहुँचते मैं आपको बताऊँ 10:30 क्या 11:15 ही बज गए थे। अभी मैं आ चुकी हूँ रास्ते में, घर से हम निकल लिए हैं तैयार व्यार होके। और ये यहाँ पे ना खेतों के बीच में देखना कितना हरा हरा सा, हरा भरा मतलब अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी क्लिप जो है ना यहाँ की भी बनाई जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। और रास्ते में है ना मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगी। चलते चलते ही ना एक बहुत ही सुंदर नज़ारा मुझे देखने को मिला, तो मुझे लगा इसे भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये ना हम बिल्कुल पहुँच ही गए हैं अभी भादुरगढ़ के पास। भादुरगढ़ के पास है नया गांव नाम से एक गांव, तो वहाँ का ये नज़ारा है, अभी मैं आपको फुल वॉल्यूम में भी सुनाऊँगी। तो आप में से जितने भी लोग मतलब भादुरगढ़ के आसपास के या भादुरगढ़ के, उन्होंने पहचान ही लिया होगा, ये है सिविल हॉस्पिटल। और अभी मैं यहाँ पे अंदर जा चुकी हूँ और निश्चय और निश्चय के पापा बाहर ही खड़े हैं, तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाया था छोटा सा, तो बीच बीच में कुछ क्लिप्स जो है ना वो निकालते रहते हैं। उन्हें मैं आजकल काफ़ी बोलती हूँ कि आप भी बना लिया करो, आप बना लिया करो, अगर मुझसे ना हो पाए मतलब मेरा व्लॉग कंप्लीट ना हो पाए तो आप मुझे सारी क्लिप दे दिया करो, ऐसे ही मिलजुल के व्लॉग बन जाता है फिर। और निश्चय यहाँ पे आपको फूल दिखाने की बात कर रहा था, जो कि अभी उसके पापा ने दिखाई दिया है आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्ट्रासाउंड होने वाला है आज मेरा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी हम ना लैब में आ चुके हैं बाहर, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है ना यहाँ पे बाहर ही हुआ था, हॉस्पिटल के बाहर जो लैब थी वहाँ पे। और मतलब मेरी बहन कह रही थी कि कराने को मैं अंदर भी करा दूं, लेकिन अंदर नहीं बाहर ही ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, सब कुछ नॉर्मल तो है ना। और क्योंकि ये वाला अल्ट्रासाउंड हुआ या लेवल 2 हुआ, मैंने सारे ही करवाए हैं, और लेवल 2 और ये लास्ट वाला कराना ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर सामने जो पिंक स्वेटर में आप देख रहे हो ना जर्सी में, वो मेरी बहन खड़ी है और ये मैं खड़ी हूँ। ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरे ताऊ जी की लड़की है और यहाँ भादुरगढ़ में रहती है, शादी हो रखी है तो यहीं पे ये जॉब भी करती है हॉस्पिटल में। तो बस यहाँ पे अभी मेरा कागज़ जो है ना वो लिए जा रहे हैं, और अभी एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, वो देना पड़ता है अपना या अपने हस्बैंड का, तो बस वही मैं दे रही हूँ। और इन्होंने मुझे बता दिया था कि आईडी प्रूफ तो साथ लेके ही आना होता है, तो कहीं भी जाए अब आधार कार्ड तो साथ रखा ही कर। और मैं बस यहाँ पे वेट कर रही हूँ, इनको बीच में भेज दिया था
कि आधार कार्ड की कॉपी करा ला, और ये फ़ोटो कॉपी करा के इन्होंने आगे जमा करा दिया है। और मेरी बहन जो है ना हॉस्पिटल में चली गई है, पास पास ही थी दोनों चीज़ें, आमने सामने ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। उसका एक कॉल आ गया था तो उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे जाना पड़ेगा। 7वां नंबर था हमारा, ज़्यादा नंबर थे नहीं, तो वो कह रही थी कि मैं बोलूँ कि पहले लगा दें। मैंने कहा नहीं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7वां ही तो नंबर है, ज़्यादा तो है नहीं। अगर मतलब ज़्यादा होते तो इंसान सोचे भी कि कई घंटे लग जाएंगे, रात हो जाएगी, लेकिन 6-7 लोगों के मतलब 6 लोगों के बाद मेरा नंबर था। तो यहाँ पे अभी मेरे नाम की आवाज़ लग चुकी थी और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बस अब जो यहाँ पे मतलब रिसेप्शन पे जो सर बैठे हैं वो बता देंगे कि मुझे कौन से वाले रूम में जाना है, कौन से में मेरा अल्ट्रासाउंड होना है। तो फिर जो है ना मैं अंदर जाती हूँ और आने के बाद आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ आपको क्या कुछ रहा अंदर। तो यहाँ पे है ना निश्चय और निश्चय के पापा बैठ के कर रहे हैं इंतज़ार, और मैं अपना फ़ोन निश्चय को दे करके गई थी। निश्चय के पापा के फ़ोन में बन रही है वीडियो। और पता है जो इंसान अंदर जाता है ना उसे नहीं पता चलता टाइम का, वैसे तो 15-1 मिनट का ही काम होता है, लेकिन जो बैठ के वेट करता है ना उसे बहुत लंबा टाइम लग जाता है, चाहे कहीं भी जाने की मैंने सुना बात हो। प्रियंका, प्रियंका भी दो थी ना, कौन सी की है देखना एक बार, पहले एक और प्रियंका बैठी थी ना। नाइन टू फाइव ज़ीरो एट एट सिक्स मेरी है ना, मतलब जो साथ में पर्ची लेके गई थी अंदर वो भी लेके जानी है क्या मुझे? वो अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर को दिखाना, आ जाओ। तो अभी आपने देख ही लिया, साथ साथ में ही रिपोर्ट दे दी थी, 10 मिनट के अंदर अंदर ही रिपोर्ट्स मेरी मिल गई थी। तो रिपोर्ट्स लेने के बाद बस अभी मैं लैब से बाहर निकल रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको। अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू जो था, मतलब अंदर खूब सारे पेड़ लगा रखे थे, खूब अच्छे पौधे लगा रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो रिपोर्ट्स लेने के बाद ना बस उसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया था तो उसने कह दिया था कि फिर आ जाओ, और अब मैं डॉक्टर से मिलवा देती हूँ, डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो अभी ना हम अल्ट्रासाउंड करवा के आ चुके हैं, निश्चय भी साथ में ही आया था। मास्क लगा, अब मत लगाओ। और ना अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं क्योंकि भूख का टाइम हो ही चुका था, टाइम 2 बजने वाले हैं अभी। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं, अगर आ रही होगी तो ये डाल दूंगी, और नहीं आ रही होगी तो फिर वॉइस ओवर करके डाल दूंगी। अरे 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 कैसे शर्मा रहा है, अरे देखो कैसे शर्मा रहा है, देखना एक बार। तो खाना पीना हमारा हो गया है, खाने में जो है ना बहुत ही सिंपल सा खाया। निश्चय को तो पसंद मतलब पनीर की सब्जी और रोटी ही आती है, जो मिस्सी रोटी होती है ना वो उसने वो खाई, और मैंने जो तंदूरी प्लेन रोटी होती है वही खाई है। और निश्चय के पापा जो है ना यहाँ अंदर बिल पे कर रहे थे, मैं और निश्चय बाहर आ चुके हैं। और अभी बस ना घर जाने की तैयारी ही थी मेरी, मैंने कहा चलो भाई अब चलते हैं, और तो एकदम से इन्होंने कहा कि नहीं यहाँ के मतलब जो पकौड़े मशहूर वाली शॉप है ना तो एक बार वहाँ पे चलो, और मैं स्कूटी साइड लगा के आता हूँ, क्योंकि स्कूटी उस होटल के सामने ही खड़ी थी। तो अभी जो है ना यहाँ पे आ गए हम, और पास पास में ही थे वैसे तो, ज़्यादा दूर नहीं थी ये दोनों दुकानें। तो अब हमें ना समझ नहीं आ रहा था ये गंगाराम के फेमस हैं या फिर जो दूसरी साइड में बिल्लू लिखा है उसके फेमस है, जो भादरगढ़ से है ना वो लोग बताना कि इन दोनों में से फेमस असल में है कौन से। तो खाना तो हम खा ही चुके थे, पेट तो फुल था, तो पैक ही करवाए हैं इन्होंने घर के लिए, मतलब मम्मी के लिए और अपने लिए समझो, क्योंकि मेरे तो बंद है ऑयली सब कुछ, और निश्चय तो वैसे नहीं खाता ये चीज़ें। और अभी हम ना रास्ते में आ गए हैं, जो मैंने आपको जाते टाइम नज़ारा दिखाया था ना जो मुझे अच्छा लग रहा था बड़ा, वो लोग डांस वांस करते आ रहे थे। तो अभी हम वापस आए तो रास्ते में वो मंदिर जो है ना यहाँ पे कुछ और कार्यक्रम मतलब शुरू हो रहा था, कुछ भजन वगैरह चल रहे थे, लेकिन इन लोगों की लैंग्वेज ना मतलब अपनी लैंग्वेज जैसी लोकल लैंग्वेज नहीं थी, कुछ और ही भाषा में भजन चल रहे थे, शायद साउथ की भाषा होगी। और बस मैं अभी यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता ही देख रही थी तो फिर मुझे है ना एक अपने टाइप के लोकल बंदे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि अंदर मैं मंदिर देखना चाहती हूँ कैसे जाऊँ। तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा मंदिर बना है। ये 5 दिन चलेगा। अच्छा। और मूर्ति जो है नीचे है। अच्छा, जब स्थापना नहीं हुई, स्थापना होगा 19 तारीख।
अभी वैसे कौन से भगवान जी का बना है? माता रानी का, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है ना उड़ीसा में, उसी का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक ठीक है। पता है मेरा मन था कि मैं आप लोगों को सुनाऊं कि कैसे भजन थे उनके, कैसे वो गा रहे थे, लेकिन मैं नहीं सुना पाई क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे, फिर बहुत झंझट हो जाता है, तो फिर इसलिए कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं सुना ही नहीं पाई। तो चलिए अब आप मंदिर देख लो। देखो इधर बैठाए जाएंगे एक भगवान जी तो यहाँ पे, अभी स्थापना नहीं हुई है इनकी, है ना, अभी नहीं है ना भगवान जी, अभी मंदिर बना है ना इसलिए जय जय हो रही है यहाँ पे, और एक भगवान जी इधर बैठाए जाएंगे। दिखाओ, देखो यहाँ पे, और एक वहाँ पे जो बाहर था वहाँ, आ जाओ देख के आते हैं, पीछे भी है क्या कोई जगह? बस इतना ही है, आ जाओ आ जाओ घूम के, बंद है बेटा उधर से घूमने की जगह, पीछे भी है। इधर से ये तो किचन है बेटा, किचन बनेगा यहाँ पे, तो आ जाओ। तो ये है मुख्य मंदिर की जो चोटी होती है ना वो, और इस वाले में बैठाए जाएंगे जगन्नाथ पुरी जी, और साइडों में केदारनाथ बद्रीनाथ सारे ही भगवान यहाँ पे आएंगे, जो मतलब साउथ में जो मंदिर है ना उड़ीसा में, तो वहीं का ये मंदिर का रूप यहाँ पे बनाया जा रहा है, और वहीं के लोग हैं शायद जिन्होंने ये बनवाया है, क्योंकि लैंग्वेज की मैं बात कर रही थी ना, अभी भजन वगैरह चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला। तो बस वीडियो बनाने के बाद नीचे आ गई हूँ मैं, और जो आसपास से है ना बहादुरगढ़ के, मैं तो ये कहूँगी एक बार जाके देखना भी ज़रूर, दो चार दिन के बाद बन के रेडी हो जाएगा ये मंदिर। और ये कहाँ पड़ता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम बहादुरगढ़ से और नया गांव जो गांव है ना, मतलब आसपास में आपने सुना ही होगा बादली वाले रोड पे जो पड़ता है पहला ये गांव बहादुरगढ़ से, तो ये वहाँ पे था। और अभी मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ आने के बाद, ये देखो बिल्कुल खाली जगह है खेतों में, और वहाँ पे बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया है। ये देखिए इधर से अंदर से ना, मतलब थोड़ा अलग ही तरह का बनाया है और अच्छा लग रहा था मुझे देखने। तो कल ना वीडियो को एंड करने का टाइम ही नहीं मिला, टाइम क्या मतलब थकावट इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, और लाइट ना बिल्कुल यहाँ पे ऐसे पड़ रही है जैसे तो मेकअप कर रखा हो मैंने कुछ, है ना, एकदम शाइन सा कर रहा है यहाँ से नोज, तो ये कैसा सड़ा सा मुँह बना के आए हो, अच्छा सा मुँह बना के आते भाई। तो मुझे लगा चलो आज इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल अल्ट्रासाउंड कराने गए थे ना, और डॉक्टर को भी दिखा के आना था, मुझे थोड़ा हॉस्पिटल भी देखना था कि सही भी है या नहीं है, तो बस उन्हीं सारी चीज़ों में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर आते टाइम खाना वाना ये कहने लगे कि भूख लग गई भाई, मुझे तो घर तक पहुँचूंगा तो भूखा मर जाऊँगा, जाके तू बनाएगी और फिर बनाने में टाइम लेगी, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया था। आपने व्लॉग में सारी चीज़ें देख ही ली है कि हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। ये था बहादुरगढ़ का हॉस्पिटल, और आप मुझे बताना कि आप में से बहादुरगढ़ मतलब कौन कौन रहता है, कौन कौन है जो बहादुरगढ़ से मेरे व्लॉग देख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निश्चय प्लीज़ भूल गई क्या बात कर रही थी, और हाँ आपको रास्ते में जो मंदिर था ना वो कैसा लगा वो भी मुझे बताना। बस हम तो ऐसे ही जा ही रहे थे, जाते जाते एकदम से मेरी नज़र पड़ी रोड पे ही, मैंने कहा देखो कितना अच्छा मंदिर सा बन रहा है, और आज ही शायद इसकी स्थापना हुई है। फिर मैंने ये भी बोला, मैं कहा अगर आते टाइम यहाँ पे है ना भंडारा होता पाया ना तो मैं भंडारा खाऊंगी, आलू की सब्जी जो होती है ना भंडारे वाली, उसका मेरा बहुत मन था। लेकिन फिर मैं उतरी, फिर मैंने देख ही लिया था कि भंडारा तो चल नहीं रहा था वहाँ पे, फिर मैंने कहा कि पंडित जी मुझे मंदिर देखना है, रास्ता वास्ता बता दो कहाँ से कैसे जाके देखना है। तो उन्होंने फिर दिखाया, फिर बताया कि अभी मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, मूर्ति स्थापना 5 दिन बाद होगी, उस दिन होगा भंडारा, आज भंडारा नहीं है, अभी तो 5 दिन के लिए पूजा पाठ चल रहा है। मुझे नॉर्मल डेज में भी जो भंडारे की आलू की सब्जी होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी ऐसे टाइम पर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है ना। बहुत सारा काम भी है मेरे को, क्या काम है मैं आपको बताऊं, एक तो है ना मतलब जो रूम में इतनी भीड़ है कि कोई आएगा ना तो उसकी खाट बिछाने की बिल्कुल जगह नहीं है, तो एक तो जगह बनानी है रूम में,
और ये सेटिंग करना सच में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं हेल्प करवा नहीं सकती अब इनकी सरकाने और खाने में सामान, और अकेले बंदे के लिए देखो ये चीज़ें मुश्किल हो ही जाती हैं। तो बस अब देखते हैं कल होगा या जैसे भी होगा। और मेरे यहाँ से है ना देखो एक दो बाल वाइट निकलने शुरू हो गए हैं। आप क्या करते मतलब किया आपने जब आपके शुरू शुरू में वाइट बाल आने शुरू हुए तो, मतलब खींच देते हो या नहीं खींचते हो? कोई कहता है तोड़ देने चाहिए, कोई कहता है नहीं तोड़ने चाहिए, बताना मुझे। और चलिए फिर कल मिलूंगी अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।